चलिए अब जान लेते हैं जनता की राय। समाज के हर वर्ग की तरह डॉक्टरों को भी आने वाली सरकार से काफी उम्मीदें हैं। मेडिकल कॉलेज खोलने हो या फिर डॉक्टरों के ऊपर पड़ने वाला काम का दबाव, डॉक्टर क्या सोचते हैं आने वाली सरकार को लेकर, ये सुनिए। महज कुछ घंटों का इंतजार और देश में सियासत की तस्वीर क्या होगी ये साफ हो जाएगा। मतदाताओं ने अपना हक अदा कर दिया है, नेताओं की किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद हो चुकी है, लेकिन समाज का अलग अलग तबका, अलग अलग महकमा, अलग अलग वर्ग मौजूदा सरकार से क्या उम्मीदें रखता था, आगामी सरकार से उसकी क्या उम्मीदें और क्या आकांक्षाएं हैं, ये जानने के लिए हम जुटे हैं इस समय मुंबई के प्रसिद्ध जुहू बीच पर। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं मुंबई के जाने माने डॉक्टर। आशीष जी, संज्ञा दी गई है डॉक्टर को भगवान की। डॉक्टर जो हैं रोगों से निजात दिलाते हैं, पीड़ा हरते हैं, कई मामलों में जान भी बचाते हैं, लिहाजा वो भगवान की संज्ञा पा गए हैं। राजनीति में भगवान जैसी संज्ञा तो किसी को मिली नहीं है, लेकिन भक्तों का जिक्र जरूर होता है जी। अब की बार इन भक्तों की जीत आपको नजर आती है क्या? देखिए, मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि 2014 में मैंने खुद मोदी साहब को वोट दिया था और उनकी उन तमाम बातों पे वोट दिया था जो विकास से संबंधित थी। तब हमें ऐसा लगता था कि देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और जो तमाम सारी अव्यवस्थाएं चल रही हैं वो दूर होंगी, लेकिन 5 साल जैसे ही बीते तो हर साल दर साल जो परफॉर्मेंस थी वो गिरती चली गई। आज ये देखिए कंडीशन ऐसी हो गई है कि चुनाव में सरकार आई तो, मोदी साहब आए तो, लेकिन विकास की कोई बात नहीं हो रही है। सारा नैरेटिव कहीं और चेंज होके चला गया है। इसका कारण सिर्फ यह है कि जो दावे किए गए थे विकास को लेकर, उन दावों पे सरकार खरी नहीं उतरी है। डॉक्टर अरुणा तिवारी, आप भी क्या यही सोचती हैं कि 5 साल में जो भी दावे किए गए मोदी सरकार की तरफ से वो पूरे नहीं हुए, लिहाजा मतदाता इस समय हताश है, थोड़ा सा जो मोह भंग हुआ है वो बीजेपी गवर्नमेंट से हुआ है, ऐसा लगता है क्या आपको? बिल्कुल ऐसा लगता है। सभी गवर्नमेंट ने काम किए हैं, मोदी सरकार ने भी कुछ काम किए होंगे, बट अधिकतर टाइम जो शुरू के 3 साल उनका विश्व भ्रमण में चला गया, बाकी का टाइम जो है बाकी चुनाव की रणनीतियां करने में चला गया। तो इन 5 सालों में हम लोगों को कभी ऐसा नहीं दिखा कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया हो, कुछ नीतियां हैं उन पे बात करी हो। सारी बातें सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्सन पे ही फोकस रही, तो कभी सरकारी नीतियों की बात नहीं हुई। जनमानस की जो साधारण चीज़ें थी, जो रोजगार की चीज़ें थी, जो किन्हीं भी प्रोफेशनल से रिलेटेड बातें थी, या कोई भी बड़े मुद्दों पर कभी कोई सामने बात नहीं आई आज तक। चलिए, हताशा है लोगों में आप लोगों के बयान समझ के लगता है, लेकिन आगामी सरकार से डॉक्टर रेखा आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? क्या आगामी सरकार का स्वरूप इससे थोड़ा अलग आप लोग ऐसी उम्मीद है? सर, मुझे तो ये लगता है कि आगामी सरकार भी जो भी आए, चाहे मोदी सरकार हो चाहे कोई और हो, लेकिन वो बुनियादी तौर पर मेजॉरिटी से आए ताकि उन्हें निर्णय लेने की क्षमता हो। डॉक्टर प्रदीप व्यास हमारे साथ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं लीलावती से, आप दिल का इलाज करते हैं, लिहाजा बात सवाल मैं दिल से ही करूंगा। मोदी सरकार ने कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से आम जनमानस है उनका दिल जो है सम्मान से भर गया अपने देश को लेकर, खासकर जो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की मैं बात करूं, क्या इसको मोदी सरकार की आप उपलब्धि मानते हैं क्या? कोई बात ही नहीं है कि उनके कहने से एयर स्ट्राइक हुई है। ये तो आज जैसे कि आज मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास में यदि कोई पेशेंट अगर आता है, आई एम नॉट द टाइप हु इज गोइंग टू आस्क माय गुरु के आई एम गोइंग टू रियली ट्रीट दिस पेशेंट और नॉट, आई हैव टू डिलीवर द गुड्स। आज मेरे सामने कोई गोली तांग के खड़ा है, बंदूक तांग के खड़ा है, गोली से उसकी बंदूक भरी है, तो मैं क्या कहूँगा? आई एम गोइंग टू कॉल मोदी? नो, दैट्स रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या है कि इस चीज़ों में इन्होंने क्या किया है कि अपना एक मुद्दा बना दिया है कि लोगों की भावनाओं से इन्होंने खेला है। घोर निराशा है आप में, मैं समझ सकता हूँ। डॉक्टर अब्दुल्ला, मैं आप पे आता हूँ। बहुत सारी योजनाओं का जिक्र हुआ, 5 साल में हमने तमाम योजनाएं सुनी, आप लोग डॉक्टर फ्रेटर्निटी से हैं, आयुष्मान योजना का जिक्र हुआ जिसके ज़रिए दावा किया गया मोदी सरकार की तरफ से कि हम एकदम समाज के अंत छोर पर बैठे लोगों को भी इलाज पहुंचा रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं, सस्ते में इलाज मुहैया हो रहा है, क्या ये उपलब्धियां नहीं गिनी जाएंगी क्या? और नहीं गिनी जाएंगी तो सही मायनों में उपलब्धियां क्या? सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों का कि मुझे एक मौका दिया। और आपने जो सवाल किया कि जैसे ये, मैंने आपने कहा कि ये दावा किया गया, तो ये दावा ही है, असल में इसको प्रूफ कहाँ हुआ, इसको कहाँ पूरी तरीके से इसको जो है ग्राउंड लेवल पर काम किया गया? अमीनी हकीकत में तब्दील नहीं हुआ, ऐसा आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपने कहा कि 2 करोड़ जो है वो नौकरियाँ दिलाएंगे, आप कहाँ है डेटा? कहीं कोई संतुष्ट है तो कहीं नाराजगी भी नजर आ रही है। जनता की राय के साथ साथ दिग्गजों को भी आप आज लगातार न्यूज़ नेशन पर लाइव देखेंगे। फिलहाल यहां पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे।